ये साग का पकौड़ा आप भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता दोस्तों। देखिए मैंने ये अच्छे से धोकर मैंने अच्छे से साग को अच्छे से मैंने वॉश किया। देखिए बहुत सारी मट्टी थी इसमें, तो आप भी जब लाइएगा तो बढ़िया से वॉश करिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मैंने चावल भिजा दिए थे 2-3 घंटा, सूखी मिर्च और कच्चा मिर्च और थोड़ा लहसुन लिया मैंने दोस्तों। ये सबको मैं थोड़ी सी ये पानी डाल के थोड़ी मिक्सर में डाल के मैं पेस्ट बनाऊंगी। आप चाहे तो सिलबट्टे में भी बना सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों साग को ये ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के दोस्तों अच्छे से हम काट लेंगे। ये एकदम ये महीन तो कटाएगा नहीं दोस्तों, पर जितना भी हो हम उतना काट लेंगे। दोस्तों मैंने चावल लहसुन और मर्चा लिया था, देखिए मैंने उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है, मैंने पानी देकर पेस्ट बनाया है। अब इस साग को अच्छे से कट कर लिया है मैंने, अब मैं इसके सब ऐड कर दूंगी। देखिए दोस्तों मैंने सब पेस्ट डाल दिया है, अब मैं नमक और हल्दी थोड़ा ऐड करूंगी। नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए और हल्दी में डालूंगी। देखिए दोस्तों मैंने ये थोड़ा बेसन ले रही हूँ, बेसन देने से क्या है वेंडिंग अच्छा होता है। देखिए दोस्तों अच्छे से हम ये सब सान लेंगे अच्छे से। पानी की ज़रूरत होगा तो आप दीजिए, देखिए ऐसे से पानी की ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, एक साग में ही पानी बहुत निकलता है। देखिए अच्छे से हम इसमें सान लेंगे दोस्तों, थोड़ा बेसन का ज़रूरत और पड़ेगा तो और देंगे हम। मैंने यहाँ पे 1/2 कप अभी बेसन डाला है। देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से पूरा मसाला वसाला बेसन वसाला अच्छे से सान लिया है, और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने 10-15 मिनट अच्छे से रखा था, देखिए मेरा अच्छा से पूरा सा मसाला इसमें ये मेल्ट हो गया है। देखिए मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है, अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं तलूंगी। हम लोग तो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं दोस्तों पकौड़ा पकौड़ा के लिए, अब चाहे तो सरसों तेल में भी फ्राई करिए और हम तेल को बढ़िया से गर्म करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मेरी दुष्ट बेटी है, बहुत ही दुष्ट है। देखिए दोस्तों चेक करते हैं तेल गर्म होगा कि नहीं। हाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़ा डालेंगे। देखो दोस्तों मैंने इस साइज का पकौड़ा बना रही हूँ, आप चाहे तो 8 छोटे भी कर सकते हैं, 8 बड़े भी कर सकते हैं। मैंने आज को लो कर दिया है। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है, मैं इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दूंगी एक तरफ। दोस्तों इसे धीरे धीरे हम पलट देंगे। देखिए दोस्तों मैंने पलट दिया है, पलट के अभी हम अच्छी तरह से सेकेंगे, इनका हल्का ब्राउन करके अच्छे से सेक कर ब्राउन हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से तला दिया पकौड़ा, देखिए मैंने ब्राउन कलर में तला है कितना अच्छे से, अब हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने निकाल लिया है, कितनी स्वादिष्ट लगती है खाने में, आप भी बनाइए पकौड़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय।